नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। अबरोड सांतपुर के तालाब की पाल पर किए गए अतिक्रमण को शनिवार को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्यवाही की गई, देर शाम तक जारी रही। जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। देर शाम तक अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी रही। शासन की ओर से तालाब की पाल पर गत 15 दिसंबर को छोटे मकान के आंशिक भाव और सामुदायिक भवन ध्वस्त किया जाएगा। समाचार लिखे जाने तक तालाब की पाल पर बने एक दो मंजिला इमारत के कुछ भाग पंचायत के सामुदायिक भवन को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी थी। अबरोड शहर कोतवाली में शनिवार शाम को पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल रजक की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। शहर में कानून व्यवस्था के साथ पड़ोसी योजना के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में नए सदस्यों का परिचय किया गया। वित्त निरीक्षक हंसाराम सिंह बताया कि सीएलजी के सदस्य हैं, उन्होंने सीएलजी सदस्य के द्वारा किए जाने वाले कार्य की जानकारी दी। अबरोड रिको पुलिस ने शराब तस्कर के मामले में 4 माह से फरार चल रहे तस्कर को शनिवार गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार एसएसपी जय यादव के आदेश अनुसार एसएसपी सरजीत सिंह मीणा व डीएसपी हीरालाल के सुपरविजन में गत वर्ष 18 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के तहत अवैध हथियार नगदी व गुजरात में कीजिए अवैध शराब तस्करी और उसकी रोकथाम को लेकर अभियान चलाया जा रहा था। एसआई सुमेर सिंह ने एसआई छगनलाल कांस्टेबल तुकाराम भवानी के सहित तमाम लोगों ने इस तरह से नाकाबंदी की और इस दौरान अबरोड की तरफ से आ रही किनोवा गाड़ी को रोकवा कर इस तरह की घटना में सफलता प्राप्त की है। खबर अबरोड से, गांधीनगर में हाईवे से सटे सोमनाथ महादेव मंदिर के पास ओवरहेड टंकी बनकर तैयार हो चुकी है। टंकी को भरने के लिए जलदाय विभाग की ओर शनिवार को बोरिंग करवाया गया। साथ ही टंकी को पेयजल आपूर्ति की लाइन से जोड़ दिया गया है। सब कुछ ठीक रहा तो आगामी एक सप्ताह में गांधीनगर क्षेत्र के बासिंदों को पेयजल किल्लत का समाधान हो जाएगा।